हाय एवरीवन, आज विशु है, केरल का न्यू ईयर है। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी विशु। हम लोग इस बार विशु नहीं मना रहे, मैंने पहले से आपको रीज़न बताया था। नॉर्मली अभी बच्चे लोग सब अभी जस्ट उठकर नहा कर आए। नॉर्मली क्या है, विशु के दिन हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और भगवान की तरह ना कल शाम को ही बहुत अच्छे से सजा कर बहुत सारा फ्रूट्स रखते हैं, फ्लावर्स रखते हैं, येल्लो फ्लावर्स, बाकी कुछ नहीं, येल्लो फ्लावर्स रखते हैं, फिर है गोल्ड रखते हैं, पैसा रखते हैं। और सुबह सुबह उठकर है ना बड़े लोग बच्चे लोग को पैसा देते हैं। मेरा ना लास्ट ईयर का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उसमें सब कुछ है, अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। और इस बार हम लोग वो सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। और कल भी हम लोग इधर लिविंग रूम में सोया था, इधर सब कुछ ब्लैंकेट सब इधर ही रखा है, क्योंकि उसका रीज़न है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने आपको एक वीडियो में बोला था ना, मैंने इधर कुशन कवर लिया है, तो उधर एक बेड है उसी के लिए भी मैंने कुशन कवर ऑर्डर किया, अभी तक नहीं आया है। वो आया है, मैं आपको दिखा दूँगी। यही कुशन कवर्स लिया है, ब्लैक एंड वाइट, और रेड है वो पहले से ही था। ये ऐसा मैंने क्यों ख़रीदा है, क्योंकि मैंने इधर एक पिक्चर फ्रेम ख़रीदा था ऐसे ब्लैक एंड वाइट और रेड अम्ब्रेला पकड़, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पिक्चर फ्रेम। ब्लैक एंड वाइट में एक रेड अम्ब्रेला पकड़ कर एक लेडी खड़ी है, उसी के लिए मैंने ऐसा वाला कुशन चूज़ किया है। लेकिन लगाने के बाद मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ये, आप लोग बोलना आपको कैसा लगा ये, मुझे पता नहीं, इतना ठीक ठाक उतना अच्छा नहीं लगा। और अभी देखो इधर हमारा इधर है ना वेस्ट कलेक्शन के लिए आया है, वो लोग लेके गया, मैं वो अभी डस्टबिन है ना अंदर, वो लोग बाहर शायद बाहर ही रखा होगा। अभी तक मैंने ना इधर डोर भी नहीं खुला है। इधर मैंने एक ब्लैक कवर फेंकने पूरा बैटरी से, वो बैटरी है ना डस्टबिन में नहीं डाल सकते हैं, चूसे चाबी करते हैं, इसलिए मैंने, अगर हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो ना उधर सेंसबरी में आस्ट्रा में है बैटरी डालने का जगह, इधर ऐसे हम लोग घर में डस्टबिन में नहीं डाल सकते। चुंसी इधर विंडो क्लीन कर रहा है और खुशी इधर कबर्ड सब क्लीन कर रहा है। Oh, I think there's a dust over here somewhere, just like... Hey, too cushy, no! Okay, I'm gonna try... That one's pretty clean. Do you know why it's clean? What? I've cleaned it like 10 minutes ago. Can I squeeze something? Sure, I'm gonna squeeze. If you squeeze, I squeeze. No, no, I'm you. Exactly, so don't. Chungsi, I said if you squeeze, I squeeze. Chungsi, I said. Kushi, other do Chungsi. I got a job over there. Kushi. Okay, fine. I need to. Kushi, look. Kushi, look. No. No, shut up. I want to work on that one. Exactly. So you ruined mine. I ruined yours. Okay. दोनों को है ना क्लीनिंग का काम दिया है। अभी आज मंडे है ना, मेरा काम था क्लीन करने का, लेकिन आज दोनों को डिवाइड करके दिया है। अभी चुंसी विंडो क्लीन कर रहा है, विंडो नहीं डोर क्लीन कर रहा है, और खुशी इधर कबर्ड सब क्लीन कर रहा है, लेकिन क्लीनिंग से ज्यादा इधर बदमाशी हो रहा है। और मैं ना अभी मैं ना अभी इधर लंच बना, ब्रेकफास्ट सब हो गया, लंच बनाने आई, आज ना एकदम सिंपल सा जल्दी एक लंच बनाने जा रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को इसके बाद थोड़ा वॉक करने के लिए जाने। आज अच्छा मौसम है, 14 डिग्री है आज,
और मैं बनाने जा रहा हूँ आज सेमिया सादम और ग्रीन एप्पल का है ना पिकल, दोनों है ना एक हाफ एन आवर भी नहीं लगता है, जल्दी जल्दी बना सकते हैं। ग्रीन एप्पल देखो मैंने इधर छोटा छोटा कट किया है, पहले ग्रीन एप्पल का पिकल बना दूंगी, ग्रीन एप्पल का पिकल बना दूंगी उसी के लिए। पहले ये ग्रीन एप्पल में मैं एक टीस्पून या कितना ठीका चाहिए उसी हिसाब से मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, फिर थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट और चिल्ली पाउडर आप लोग कितना यूज़ करते हैं उसी हिसाब से डालना चाहिए। फिर ये अच्छे से मिक्स करूँगी, अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया। उसके बाद अभी मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, मैंने इधर सेसमी ऑयल यूज़ किया है, आप लोग चाहिए तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें मैं डाल दूँगी मस्टर्ड सीड्स, दो रेड चिल्ली, करी पत्ता, थोड़ा सा मेथी सीड्स, थोड़ा सा हींग, अब इसमें मैं डाल दूंगी ये एप्पल, इसको अच्छे से मिक्स करना है, एक मिनट तक ऐसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। अभी अच्छे से मिक्स हो गया, हमारा पिकल इधर रेडी हो गया, देखो इधर पिकल इधर रेडी हो गया, कितना जल्दी पिकल रेडी हो गया, कितना दो तीन मिनट, तीन मिनट में ही पिकल रेडी हो गया। अभी ये लोग है ना so क्लीनिंग के लिए बोला लेकिन इधर खाने का, क्लीनिंग छोड़ दिया लेकिन खाने का कॉम्पिटिशन हो गया। खुशी चिरिकल वाई भक्षण चिरिकल പറഞ്ഞ സ്ലോലിയേ എല്ലാം ചെയ്യാവും കണ്ടോ, സ്ലോലി കഴിച്ചില്ലേ കണ്ടോ കഴിയും അയ്യേ ദേഖോ ക്ലീനിങ് കർണക്കിലി പോലെ പൂരാ മെസ്സി കർക്ക് ദേഖോ ഇത് എടുത്ത് കളാ എടുത്ത് കള രണ്ടുപേരും കഴിച്ച ഖുഷി അയ്യേ മുഖത്തെല്ലാം ദേണ്ട മുഖത്ത് നോക്ക് ഡ്രസ്സേലും എല്ലാം ബനാനായിട്ട് നോക്ക് അയ്യേ എന്താ ഇത് എടുത്ത് കളാ എടുത്ത് കള എല്ലാരും बनाना का हो गया, चुंगसी जीत गए, अभी दोनों ग्रेप्स पूरा खाना ही, सुबह से खाने का कॉम्पिटिशन ही हो रहा है। Grapes. So this is like the easiest one. Hopefully I win in this. So let's go. Amma, say. Say. Ready? 1, 2, 3, start. Ah, done. I finished. I said ah first. No. I finished. I won. No. I won that. I said ah first. I should. I won. इनका कॉम्पिटिशन हुआ है, हुआ नहीं अभी, फिर से बोलो कुछ तो कॉम्पिटिशन के लिए गया है पता नहीं। So, I won the grapes and the banana and she only won orange. No, we both won. No, I won that. Check in the video, I won that clearly. I was like, ah, first. Okay, and you were still chewing. Okay, two of them are going to go. So, I won. मुटी कट्टी वैकेंट मकड़ा है। हाँ अभी मैं ना एक बजे हो गया अभी तक देखो, इसलिए मैं जल्दी खाने, जल्दी वाला खाने का सोचा है क्योंकि ना इधर मैं किचन में काम करने आया तो ये लोग कुछ ना कुछ बहाने लेके इधर आ जाता है फिर डिस्टर्ब कर लेते हैं। मैं अभी है ना सेमिया सादम बनाने जा रही हूँ, उसी के लिए है ना इधर पानी रखा है मैंने, इधर ये पानी गर्म होने के बाद है ना इसमें सेमिया डाल दूंगी।
मैंने यही सेमिया यूज़ किया। आप लोग चाहे तो कोई भी सेमिया, थिक वाला या थिन वाला कोई भी सेमिया यूज़ कर सकता है। अब ये बॉइल हो गया तो मैं इसमें यह सेविया डाल रही हूँ। पानी ज़्यादा होना चाहिए। अभी पानी अच्छे से बॉईल हो रहा है, मैं ना एक दो मिनट ऐसे ही बॉईल होने देंगे, उसके बाद ये ऑफ़ कर, गैस ऑफ कर इसको कवर कर ऐसे ही दो मिनट रखेंगे। अभी दो मिनट हो गया, मैं ये ऑफ़ कर इसको कवर कर एक दो मिनट ऐसे ही रखेंगे। अभी दो मिनट हो गया, इसका पानी निकाल देती हूँ। अभी ये ठंडा होने के बाद इसमें दही ऐड करूँगी। अब ये ठंडा हो गया, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा दही। सॉल्ट भी ऐड करूँगी। ये दही पूरा डाल देती हूँ। फिर ऐड करूँगी दूध। मैंने अभी दही और मिल्क ऐड किया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसका सॉल्ट भी चेक करना है। इसका सॉल्ट टेस्ट कर लेती हूँ। सॉल्ट थोड़ा कम है, वो थोड़ा डाल रही हूँ। अभी उसके लिए तड़का देने जा रही हूँ, उसी के लिए मैंने इधर थोड़ा ऑयल डाल दिया। उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा चना दाल, उड़द दाल, जिंजर, ग्रीन चिल्ली, और ग्रीन चिल्ली मैंने इधर तीन लिया है। जिंजर का और ग्रीन चिल्ली का टेस्ट इसमें ज़्यादा आ गया तो अच्छा है। अभी डाल दूँगी थोड़ा सा कैश्यू किशमिश, थोड़ा सा करी पत्ता, सबसे लास्ट में डालना है थोड़ा सा हींग। अब इसमें डालना है ये तड़का। लास्ट में इसमें डालना है थोड़ा सा पोमीग्रेनेट सीड्स। आप लोग चाहिए तो ग्रेप्स भी डाल सकते हैं। अभी देखो इधर सेमिया साधन रेडी हो गया। कुछ और मिनट सेमिया साधन रेडी हो गया। एप्पल पिकल भी है, एक पपड़ भी है। हम आप लोग भी ट्राई करना बहुत जल्दी। अगर लंच बॉक्स के लिए है तो है ना, उस समय दही कम करना है और दूध ज़्यादा डालना है। तब है ना दही कम डाल दिए तो खट्टा थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं तो दही बहुत टाइम तक रखे तो थोड़ा खट्टा हो जाता है ना। इसलिए दूध मिल्क उस समय ज़्यादा डालना है। बहुत टेस्टी है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखना है। इसमें बीच बीच में है ना ये पोमीग्रेनेट सीड और काजू किसमें से सब मुंह में आते हैं ना, जिंजर भी बीच बीच में मुंह में आते, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर ये ट्राई करके देखना, पिक्चर के साथ बहुत टेस्टी है। ठीक है, हम लोग हमारा लंच खाने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को आज का वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आ गया तो लाइक करना भूलना नहीं, प्लीज़ लाइक करना भूलना नहीं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना भूलना नहीं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। हेलो, बाय वगैरह।